पता है, आज तक मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम के रील्स में और टीवी में बर्फ देखी थी, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज लकी इनफ टू प्ले इन स्नो। As someone correctly said, the mountains are the last place where a man can feel truly wild. So, let's enjoy the wildness of the mountains in the third episode of the Manali series. Welcome back to my channel. I'm back with another vlog and I hope all of you guys are doing extremely well. So this is day 3 in Manali and kal hi hum raat ko yahan pe aaye and look at this guys. Yahan pe snowfall hui hai kal hi hum aane se pehle, so everything is covered with snow. Aur aaj ka plan कुछ ऐसा है कि पहले हम जाएंगे सोलंग वैली, वहाँ पे स्नो पॉइंट है, तो उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे एक वाटरफॉल है वहाँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो गाइज एंड आई होप यू विल एंजॉय वॉचिंग इट। फाइनली मेरी विश पूरी हो चुकी है क्योंकि एवरीथिंग इज कवर्ड विथ स्नो। और अभी हम आए हैं स्नो पॉइंट पे, जहाँ पे हम थोड़ी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, जैसे कि जिप लाइन है, स्की है एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसके रेट्स और क्या क्या होगा वो मैं आपको वीडियो में बता दूँगी। और अभी फ़िलहाल धूप आई है इसीलिए इतना कुछ मतलब ज़्यादा ऐसे ठंड नहीं लग रही है, ओके ओके है, बेरेबल है, सो बहुत मज़ा आने वाला है। तो रेडी होने के बाद कुछ ऐसी लग रही है और सब लोग हम जो एक तो है हमारे ग्रुप का ये तो एकदम ट्रैफिक हवालदार लग रहा है, पर इसमें ही मज़ा है। और ये ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे ठंड नहीं लग रही और आज लकीली थोड़ी बहुत ठंड कम है, इसीलिए सब कुछ मैनेजेबल हो रहा है। सो अभी हम जाएंगे स्नो एक्टिविटीज़ करने, तो हम करने वाले हैं स्की और एक ट्यूब करके कुछ है वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी। और भीड़ देखो कितनी है, सब लोग 31 मनाने यहाँ पे ही आए हैं। तो यहाँ पे स्कीइंग हो रही है पीछे और इतने जन हैं कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मतलब वहाँ पे स्टार्टिंग पे ही पूछते हैं कि क्या करना है, पैसे वगैरह लेते हैं, और यहाँ पे आने के बाद समझता है कि इतना कुछ है नहीं। तो वहाँ पे उस साइड जिप लाइन चालू है, वो मैं आपको थोड़ा क्लोज से बाद में दिखाती हूँ। फिलहाल अभी हम यहाँ पे स्कीइंग करने आए हैं। अगर आप पैराग्लाइडिंग नहीं कर रहे हो तो जिप लाइन आप कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। और यहाँ पे मेरा दोस्त स्की कर रहा है। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. अच्छा लगा, जितना खराब लग रहा था उतना है नहीं। और जो मैं जोर से वीडियो में गिरी हूँ अभी दुख रहा है, तब रियलाइज नहीं होता। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत मजा आया, एक नंबर। मैं दो बार गिरा हूं। वैसे तू कितने बार गिरी है? मैं एक भी बार नहीं गिरी।
फिर दो बार गिरा हूँ, कवर टूट चुकी है, लेकिन मजा बहुत आया। ऐसा लग रहा था ये सबको मैनेज कर रहा है ट्रैफिक हवाल का, बीच में खड़ा रह के पैसा वसूल परफॉर्मेंस। हाँ, पर वो ट्यूब का इतना कुछ खास नहीं लग रहा। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. तो अभी हम डायरेक्ट जा रहे हैं वहाँ पे फोटो खिंचाने, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 1:30 राइट नाउ, और हमें बोला था हमारे गाइड ने कि 12:30 तक आ जाना वहाँ पे, क्योंकि अभी हमें जोगिनी वाटरफॉल पे भी जाना है। पर वहाँ पे इतना अच्छा, यहाँ पे इतना अच्छा कॉस्ट्यूम पहना है स्नो का, और बाकी भी सब कुछ है, इसीलिए हम पहले फ़ोटो निकालेंगे और फिर जाएंगे। और बाकी इधर इतने कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है, ट्यूब है और जिप लाइन है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी कर सकते हो। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in. बहुत ज़्यादा खेल लिया, and I hope आप लोगों ने भी वो वीडियो में enjoy किया होगा हमारा जो खेलना था वो। और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। भी मैंने पहली बार हुडी पहनी है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 स्वेटर पहनो फिर भी ठंडी नहीं जाती, इतनी ज़्यादा ठंडी होती है यहाँ पे। पर अभी स्ट्रेंजली इतना ठंडा है, मतलब स्नोफॉल भी है पीछे, पर स्नो भी है पीछे, फिर भी इतना ठंडा महसूस नहीं हो रहा है। तो एकदम धूप आ गई है, इसलिए अच्छा लग रहा है। वो बड़ा सा टॉवर दिख रहा है वाइट वाला, ये जो फोकस में रखा है, वहाँ पे जाना है हमें। देखो ये जो वाटरफॉल है वही आगे जाके हमें ऊपर मिलने वाला है। यहाँ से भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट ये ट्रैक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्टीप है रास्ता। तो अभी 5 मिनट भी नहीं हुए चालू किए, हवा निकल गई है बहुत। कैसे हिमालय के लोग यहाँ पे सरवाइव करते हैं। और अभी हम आधा रास्ता भी नहीं पहुँचे और इतना ज़्यादा बाकी वहाँ पे लोग चल रहे ना उधर, 2 किलोमीटर ही है, हवा निकल रही है बहुत ज़्यादा। मेरे लिए ये ट्रैक अभी तक का मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक था, बट इस ट्रैक की खास बात ये थी कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे हम नेचर के और करीब जा रहे थे। ऐसे लग रहा था यू आर नॉट इन द माउंटेंस आर इन यू। इतनी खतरनाक फोटोज़ और वीडियोस आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे चढ़ने का प्रॉब्लम नहीं है, बट वो यहाँ पे इतनी ठंडी है और हाई ऑल्टीट्यूड है ना, इसका प्रॉब्लम है, इसलिए सांस फूल रही है। ऐसा लग रहा है 50 साल की बुढ़ी हो गई हूँ जिस हिसाब से मैं चढ़ रही हूँ। पॉज ले ले के स्नो ट्रैक भी करना है नेक्स्ट व्लॉग में, कैसे होने वाले कोई आइडिया नहीं है। Those eye-mesmerizing views felt like I entered into heaven. किसी ने सही कहा है, the best view comes after the hardest climb, और कुछ ऐसा ही फील हो रहा था ट्रैक कंप्लीट करने के बाद। भाई साहब, लुक एट द व्यू गाइस। बस इसके लिए इतना 2 किलोमीटर भी 2000 किलोमीटर लगाया आज मुझे, बट दिस इज वर्थ इट। ओके गाइस, बहुत सही है। मैं आपको और करीब से दिखाती हूँ, बस मुझे पहुँचने दो उधर। दिस वॉज माई लाइफ्स हार्डेस्ट ट्रैक आई कुड से, क्योंकि आई हैव नेवर बीन लाइक दिस एनीवेयर। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था ये ट्रैक, बट इट इज़ वर्थी। ओके, जोगिनी वाटरफॉल इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वाटरफॉल इन मनाली, सिचुएटेड इन द दौलाधर रेंज,
ऐसा कहा जाता है कि ये वाटरफॉल हिमाचल के शेफर्ड कम्युनिटी ने डिस्कवर किया है, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 200 फीट के हाइट पे स्थित ये वाटरफॉल ट्रैक करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, पर इस वाटरफॉल का व्यू जिंदगी भर याद रहेगा ऐसा था। और ये देखो, यहाँ पे इतनी सर्दी है कि ये पानी पूरा बर्फ में जम गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे शेफर्ड लोग कैसे आ सकते, क्योंकि ये ट्रैक इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, छोटे छोटे रास्ते हैं, तो पता नहीं कैसे डिस्कवर हुआ है, पर ऐसा कहा जाता है, तो ये पूरा कंफर्म नहीं है, बट ये स्टोरी है इसके पीछे। सो वी आर बैक एट द होटल आफ्टर द ट्रैक। इट्स -6 ईयर राइट नाउ और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है, और वहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि ज्यादा शाम होने के टाइम पे मत जाना, क्योंकि हमारा भी वही गलती हो गई, तो बहुत ज्यादा डार्क होता है जब हम नीचे जाते हैं, और स्नो के टाइम पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। मैं तो 15 से 20 बार गिर चुकी हूँ, और एक बार तो ऐसी गिरी हूँ कि बस खाई में जाने वाली थी, बचा लिया मुझे मेरे दोस्तों ने। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द शिमला सीरीज। बाय गाइज, और नेक्स्ट एपिसोड में आपको स्नो ट्रैक देखने मिलेगी, और यहाँ पे जो मार्केट है लोकल वगैरह वो सब चीज़ है। बाय।